स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है? ए 112, बी सौ सी 181, डी 108। आंसर ए 112। एक्सप्लेनेशन: केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान लगभग 1180 करोड़ रुपए की कुल लागत पर महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS 2.0। अगला प्रश्न, रायसीना डायलॉग क्या है? ए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला एक खेल आयोजन, बी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन, सी नई दिल्ली में एक संगीत समारोह, डी एक साहित्यिक पुरस्कार समारोह। आंसर बी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन। एक्सप्लेनेशन: रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली भारत में शुरू हुआ। ये प्रतिष्ठित सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर चर्चा के लिए भारत के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। रायसीना डायलॉग के 2024 संस्करण थीम चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण है। अगला प्रश्न, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ए जयपुर, बी पटना, सी चंडीगढ़, डी वाराणसी। आंसर सी चंडीगढ़। एक्सप्लेनेशन: 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इसका आयोजन 17 फरवरी से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया गया। अगला प्रश्न, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? ए गुरु रंधावा, बी युवराज सिंह, सी हरभजन सिंह, डी शुभमन गिल। आंसर शुभमन गिल। एक्सप्लेनेशन: भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य आइकॉन के रूप में नामित किया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज नेशनल आइकॉन रह चुके हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए ग्रेटर नोएडा, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। आंसर ए ग्रेटर नोएडा। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 22 फरवरी से किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय एक्सपो में 120 से अधिक भारतीय शहरों के ट्रैवल एजेंट भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब इस आयोजन के लिए प्रीमियम भागीदार देश है, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भागीदार देश हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी आयुष मंत्रालय, डी बी और सी दोनों। आंसर सी आयुष मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है। आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त राष्ट्रीय स्तर की परियोजना से 20,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को लाभ होगा। इस पहल का लक्ष्य देश के 14 राज्यों में चिन्हित 55 EMRS में 6 से 12वीं कक्षा में नामांकित 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को कवर करना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अमिताभ कांत, बी AS राजीव, सी आलोक कुमार सिन्हा, डी अभिषेक बैनर्जी। आंसर बी AS राजीव। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र KMD और CEO है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, जिसे 1964 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? ए कोलंबो, बी दुबई, सी ढाका, डी काठमांडू। आंसर ए कोलंबो। एक्सप्लेनेशन: 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा। 3 दिवसीय यह महोत्सव 1 मार्च से शुरू होगा। यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL 2024 से बाहर हो गए हैं, वह किस टीम से खेलते हैं? ए राजस्थान रॉयल्स, बी मुंबई इंडियंस,
सी दिल्ली कैपिटल्स, डी गुजरात टाइटंस। आंसर डी गुजरात टाइटंस। एक्सप्लेनेशन, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बाएं टखने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद शमी को आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में गुजरात टाइटंस ने 6.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। मोहम्मद शमी ने 2022 में 20 विकेट और आईपीएल 2023 में और भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 28 विकेट लिए थे। अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? ए आईआईटी गुवाहाटी, बी आईआईटी वाराणसी, सी आईआईटी मुंबई, डी आईआईटी दिल्ली। आंसर ए आईआईटी गुवाहाटी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है। ये ट्रेनिंग सेंटर आरसी हॉबीटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ब्रांड एडुराडे के सहयोग से लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? ए आर्टेमिस, बी ओडिसियस, सी ओडिसी, डी अपोलो 11। आंसर बी ओडिसियस। एक्सप्लेनेशन, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडिसियस 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित अंतरिक्ष यान ओडिसियस ने 15 फरवरी 2024 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद लगभग 52 साल बाद अमेरिका का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर चांद की सतह पर उतरा है। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ए रविचंद्रन अश्विन, बी जसप्रीत बुमराह, सी कुलदीप यादव, डी रविंद्र जडेजा। आंसर ए रविचंद्रन अश्विन। एक्सप्लेनेशन, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था। आपको बताते चले कि हाल ही अश्विन ने अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। अश्विन इंग्लैंड और भारत के बीच हुए टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज है। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जेम्स एंडरसन 145 विकेट हैं। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए अहमदाबाद, बी चेन्नई, सी वाराणसी, डी विशाखापत्तनम। आंसर डी विशाखापत्तनम। एक्सप्लेनेशन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अच्युतपुरम मंडल के पुदीमतका में 1200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके तहत हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन भारत के लिए प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न, चौथी खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए श्रीनगर, बी मनाली, सी गुलमर्ग, डी शिमला। आंसर सी गुलमर्ग। एक्सप्लेनेशन, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निसित प्रमाणिक भी उपस्थित थे। इस खेल प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 एथलीट भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी ओडिशा, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सत्तारूढ़ बीजेडी के देबाशीष सामंतरे और सुभाशीष खुंटिया को ओडिशा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्विरोध चुने गए नेताओं में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि शामिल है। किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग रहित विद्यालय मनाने का निर्णय लिया है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आंसर ए मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग लेस स्कूल मनाने का फैसला किया है। यह निर्णय छात्रों के तनाव को कम करने के लिए लिया गया है तथा ये राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। अगला प्रश्न, ट्रेनों में प्री ऑर्डर खाना उपलब्धता के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ए डोमिनोज, बी स्विगी, सी जोमैटो, डी उबर ईट्स। आंसर बी स्विगी। एक्सप्लेनेशन, IRCTC ने अपने ई कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से यात्रियों के प्री ऑर्डर फूड डिलीवरी के लिए स्विगी के साथ एक समझौता किया है।
इस समझौते के अनुसार जल्द ही देश के कई स्टेशन पर यात्री इसे आसानी से स्विगी से खाना ऑर्डर कर पाएंगे। शुरुआती दौर में ये सुविधा देश के 4 स्टेशन बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशनों पर शुरू होगी। अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना के लिए किस राज्य में 182 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय रिंग रोड परियोजना का विस्तार किया जाना है? ए दिल्ली, बी पंजाब, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। आंसर सी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, NHAI ने भारतमाला परियोजना चरण 2 के तहत तेलंगाना के क्षेत्रीय रिंग रोड के 182 किलोमीटर दक्षिणी हिस्से को मंजूरी दे दी है। भारतमाला परियोजना देश में आर्थिक गलियारों, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के इरादे के साथ साल 2017 से बड़ी एवं चौड़ी सड़कों तथा हाईवे राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना है। अगला प्रश्न, शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी इटली, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। आंसर डी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन, प्रख्यात लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर को मंगलवार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है। फ्रांसीसी दूतावास ने एक बयान जारी किया और बताया, सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार भारत फ्रांस संबंधों को गहरा करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और फ्रांस के लंबे समय से मित्र के रूप में डॉक्टर थरूर के अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने शहरी स्वच्छता नीति शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आंसर बी उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा सरकार ने सभी के लिए समावेशी, न्यायसंगत, सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता सेवाओं के लिए राज्य के दृष्टिकोण को साकार करने के इरादे से ओडिशा समावेशी शहरी स्वच्छता नीति 2024 अधिसूचित की है। इस नीति का उद्देश्य स्वच्छता मूल्य श्रृंखला को परिपत्र अर्थव्यवस्था, सामुदायिक साझेदारी, आपदा लचीलापन, शहरी ग्रामीण अभिसरण इत्यादि की आधुनिक अवधारणाओं के साथ एकीकृत करना है। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि, बी कपड़ा, सी पर्यटन, डी प्रौद्योगिकी। आंसर बी कपड़ा। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। भारत टैक्स 2024 भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? ए 2025, 26, बी 2026, 27, सी 2024, 25, डी 2023, 24। आंसर सी 2024, 25। एक्सप्लेनेशन, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि 2024-25 सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष है। यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दोनों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप है। अगला प्रश्न, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया? ए सुदर्शन सेतु, बी विश्व सेतु, सी द्वारका ब्रिज, डी भारती सेतु। आंसर ए सुदर्शन सेतु। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेयर द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल सुदर्शन सेतु को समर्पित किया। अगला प्रश्न, UAE सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 7 साल। आंसर बी 5 साल। एक्सप्लेनेशन, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE की सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के अनुसार टूरिस्ट के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा UAE में 5 साल तक वैलिड होगा। इसमें वीजा होल्डर्स को 90 दिनों तक एंट्री और एग्जिट की इजाजत मिलेगी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम नंबर में बदलाव किया है? ए नियम 5, बी नियम 6, सी नियम 7, डी नियम 8। आंसर सी नियम 7। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने हाल ही में सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के नियम 7 में बदलाव किया है, जिसके तहत विवाहित जोड़ों के एक साथी के चिकित्सीय रूप से अनफिट होने पर उन्हें डोनर के एग या स्पर्म का उपयोग करने की अनुमति होगी,
लेकिन दोनों में से एक गेमे शुक्राणु या अंडाणु दंपति का ही होना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? ए 1 जनवरी 2023, बी 1 जुलाई 2023, सी 1 जनवरी 2024, डी 1 जुलाई 2024। आंसर डी 1 जुलाई 2024। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि देश के 3 नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हो जाएंगे। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, उसकी जगह अब यह नए तीनों कानून ले लेंगे। अगला प्रश्न, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? ए होमोसेप एकम, बी रोबोक्लीना 1.0, सी सैनिटेक प्रो, डी स्वच्छता एकम। आंसर ए होमोसेप एकम। एक्सप्लेनेशन, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम होमोसेप एकम है, का उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। इसकी क्षमताओं में व्यापक ब्लेड सफाई, ठोस अपशिष्ट डिसिल्टिंग, सक्शन और भंडारण शामिल है, सभी एक डिवाइस में एकीकृत है। अगला प्रश्न, पंकज उधास किस लिए प्रसिद्ध थे? ए बॉलीवुड आइटम गाने, बी शास्त्रीय संगीत, सी गजलें, डी पॉप संगीत। आंसर सी गजलें। एक्सप्लेनेशन, अनुभवी गायक पंकज उधास का लंबी बीमारी के बाद 26 फरवरी 2024 को 73 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। पंकज उधास अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनमें नाम से चिट्ठी आई है, मोहरा से, ना कजरे की धार, चांदी जैसा रंग, एक तरफ उसका घर और आहिस्ता जैसे हिट गाने शामिल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है? ए पंजाब सरकार, बी असम सरकार, सी गुजरात सरकार, डी केरल सरकार। आंसर बी असम सरकार। एक्सप्लेनेशन, असम सरकार ने हाल ही में राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के तहत फैसला लिया गया है। राज्य के मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने कहा कि इस फैसले से राज्य में हो रहे बाल विवाह रुकेंगे और अब से असम में कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, 23 फरवरी को नई दिल्ली में मिस वर्ल्ड इवेंट के कौन से संस्करण की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी? ए 51वें, बी 61वें, सी 71वें, डी 81वें। आंसर सी 71वें। एक्सप्लेनेशन, 23 फरवरी को नई दिल्ली में 71वें मिस वर्ल्ड इवेंट मिस वर्ल्ड 2024 इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी हुई। यह इवेंट 28 साल बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो कि आखिरी बार 1996 में हुआ था। यह मिस वर्ल्ड 2024 के सभी कॉम्पिटिशन देश के अलग अलग शहरों में होंगे और फाइनल इवेंट 9 मार्च को मुंबई के जियो कन्वेंशन मॉल में होगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 11 मई, बी 12 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 26 जनवरी। आंसर सी 28 फरवरी। एक्सप्लेनेशन, हर साल 28 फरवरी को भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD हर वर्ष 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। रमन प्रभाव ये बताता है कि जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? ए न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, बी न्यायमूर्ति AM खानविलकर, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डी सुशील चंद्रा। आंसर बी न्यायमूर्ति AM खानविलकर। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AM खानविलकर को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लोकपाल गठित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? ए गुजरात, बी केरल, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। आंसर ए गुजरात। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के धोराजी जामकंडोरना कलावाड़ खंड के चौड़ीकरण, जामनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और सिक्का थमल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन FGD प्रणाली की स्थापना की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न, कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है?
ए अरब सागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक सागर, डी अटलांटिक महासागर। आंसर, डी अटलांटिक महासागर। एक्सप्लेनेशन, कोलंबिया की सरकार ने हाल ही में अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है। यह एक स्पेन का जहाज है, इसका नाम सैन होजे है। बताया जाता है कि इस जहाज के मलबे के साथ 1.66 लाख करोड़ रुपए मूल्य का करीब 200 टन खजाना भी दफन है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का हाल ही में राजस्थान में शुभारंभ किया गया है? ए थाईलैंड, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मालदीव। आंसर, बी जापान। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का पांचवां संस्करण आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है।